फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 4 एंड टुडेज टॉपिक इज द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन लास्ट वीडियो में जो मैंने पूरा डिस्कस किया था वो क्या था, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। लेकिन इसके बाद जो सेकेंड डिवीजन है इंडिया का आज है नॉर्दर्न प्लेन। तो ओवरऑल बात करते हैं तो हम लोग देखे थे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है वो हिमालयन माउंटेन के बाद है। ये पूरा ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया हिमालयन माउंटेन्स का। तो इसके बाद जो नीचे का पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, देखिए एक्चुअली इसको भी डिवाइड किया गया है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन बना कैसे है, एट फर्स्ट जानते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जब हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम बताए थे कि जो ये पूरा टीथिस सी था वो अपवर्ड की ओर मूव कर गया, और वहां के बाद जो रिवर्स है वो रिवर्स क्या हो गया कि डाउनफॉल बहना स्टार्ट हुआ। तो जब नीचे की ओर बहना शुरू हुआ तो जो डिपॉजिट है, जैसे कि इरोजन हो रहा है हिमालय माउंटेन से, तो जो इरोजन होने के बाद जो डिपॉजिट्स बनेंगे, सेडिमेंट्स होगा, वो क्या होगा, सेडिमेंट्स बहते हुए आएगा वाटर के साथ, और जो इस प्लेन में डिपॉजिट हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन, एलुवियल डिपॉजिट। तो ये जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक, 150 to 300 किलोमीटर, इतनी चौड़ी एक पट्टी के रूप में जो है यहां से यहां तक पूरा फैला हुआ है। अब इसकी बात करते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है वो नॉर्दर्न प्लेन मेनली इसको भी दो तरीके डिवाइड करेंगे, एक तो हो गया फिजियोग्राफिक डिविजन, ग्राफिक डिवीजन, और जो सेकंड तो हो गया तो वो फिर देखेंगे कि फिजियोग्राफिक में इसको बांटा गया है। पहला हम बोलते हैं प्लेन्स ऑफ राजस्थान, प्लेन्स ऑफ राजस्थान। उसके बाद दूसरा नंबर की बात करते हैं तो वो है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, को हम सतलज यमुना प्लेन के नाम से भी जानते हैं, पंजाब हरियाणा प्लेन जिसको सतलज यमुना के नाम से भी जानते हैं, सतलज यमुना प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और नंबर थर्ड जो हो गया गंगा प्लेन, क्योंकि ऊपर का देखिए इधर तो सतलज रिवर फ्लो करेगी साइड, और इसी का पैरेलल गंगा का आती है यमुना, तो ये हो गया यमुना प्लेन। उसके बाद हो गया गंगा प्लेन, द गंगा प्लेन। इसके बाद तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू रिवर डिवाइड कर दिए कि जो राजस्थान प्लेन हो गया, सतलज यमुना प्लेन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर रिवर जो है वो है ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये मेन चीज जो है ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया, ये चारों पार्ट से कैसे कैसे इसके बारे में बात करते हैं कि जो सबसे पहले का जो पार्ट है, अब देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं राजस्थान प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं राजस्थान प्लेन। ये वाला पार्ट हो गया राजस्थान प्लेन, क्या हो गया राजस्थान प्लेन, और ये जो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं सतलज यमुना प्लेन, क्या बोलते हैं सतलज यमुना प्लेन। यानी कि सतलज रिवर और यमुना रिवर के दोनों का मिक्सअप होने के बाद ये जो पंजाब, इसको कि ये जो मेन स्टेट है वो है पंजाब एंड हरियाणा, और पंजाब और हरियाणा होने के कारण इसका नाम सतलज यमुना प्लेन और ऑल्सो कॉल्ड पंजाब हरियाणा प्लेन। ये वाला पार्ट जो है राजस्थान प्लेन के नाम से, यहां पर चूंकि पूरा का पूरा डेजर्ट है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मरुस्थली, मरु
स्थली। अब ये मरुस्थली के साथ साथ क्या होता है कि जो प्लेन, इसमें कुछ रिवर्स है, जैसे एक मात्र रिवर है दैट इज कॉल्ड लूनी। अभी जो रिवर है इसके बाद क्या होता है कि मरुस्थली में जो पार्ट्स जिसमें कहीं कहीं वाटर पाए जाते हैं, और इसको लोग किस नाम से जानते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है अरावली का, यहां पर क्या है अरावली बीचों बीच, इसका वेस्टर्न पार्ट हुआ फिर ईस्टर्न पार्ट। जो ये ईस्टर्न पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान बागर, राजस्थान बागर। तो ये क्लियर हो गया कि मरुस्थली तो क्या है, तो डेजर्ट है। लेकिन एरिड और सेमी एरिड रीजन जो है ईस्टर्न पार्ट में अरावली के, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान बागर। तो ये होगा राजस्थान प्लेन और सतलज प्लेन। अब यहाँ के बाद जो ये गंगा रिवर फ्लो करती है और ये वेस्ट बंगाल होते हुए देव बंगाल में जाती है, तो ये पूरा पार्ट जो हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन। अब गंगा प्लेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब गंगा प्लेन का ये तो जो नीचे वाला पार्ट हो गया, अब देखिए ये ऊपर का पार्ट हुआ जिसको लोग बोलते हैं ऊपर। तो ये मैप के अनुसार से ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि जब गंगा रिवर फ्लो कर रही है ये, तो अब इसका जो ये होगा अपर पार्ट होगा, ये लोअर पार्ट होगा। तो लोअर पार्ट में सेडिमेंट्स जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम डिपॉजिट होगा। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अपर गंगा, अपर गंगा प्लेन, और इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल गंगा प्लेन जो बिहार का पार्ट है। बिहार और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को अपर गंगा प्लेन, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार के पार्ट को बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन, और जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं लोअर गंगा प्लेन। तो ये गंगा प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो इधर वाला पार्ट है, तो इधर तो एक रिवर निकलती है जहां पर काम करती है, तो चेमायुंगडुंग से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से रिवर निकलती है ब्रह्मपुत्रा। और ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़े हैं कि यहाँ पर एक माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम क्या है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये जब नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जहां पर इसको पहले क्या, इसके देखिए नाम क्या होता है कि जब ये तिब्बत में चाइना में फ्लो करती है इसका नाम रहता है सांगपो, सांगपो। जब ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग, दिहांग विथ दिवांग। तो ये दिवांग क्या है, तो दिवांग एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जो यहां पर ज्वाइन करती है, और ये दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है। और जब अरुणाचल प्रदेश पार करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यहां पर जब धुबरी के पास बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रह्मपुत्रा का नाम बदलते रहता है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन यहां पर ये देखिए ये पूरा जो पार्ट है किसका पार्ट है, असम का। अक्सर असम में बाढ़ आती है, उसका मेन कारण क्या है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये जो पूरा का पार्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो मेन रूप से असम में फैला हुआ है। तो ये ओवरऑल हो गया नॉर्दर्न प्लेन। लेकिन इसके बाद की बात करते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको, तो ये हो गया प्लेसियोग्राफिक डिविजन। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो रीजनल क्लासिफिकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं जो है ट्रोपोग्राफिकल डिवीजन, ट्रोपोग्राफिकल डिवीजन। तो सबसे पहले नाम लेते हैं हम लोग तराई, ये क्या है। इसके बाद नंबर टू में बात करते हैं तराई के बाद कुछ कुछ टर्म्स है ऐसे इसमें डिस्कस करेंगे, तराई, डेल्टा, वाटर डिवाइड, वाटर। तो ये क्या हो गया, तराई, डेल्टा, वाटर डिवाइड, और एक और टर्म आता है जिसका नाम है भावर, क्या है भावर। तो अब ये क्या है, तराई की बात करते हैं तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन के जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि जस्ट शिवालिक रेंज की बात करते हैं, तो शिवालिक रेंज से
जो नीचे का पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट है, तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर वाइड एक रेंज बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं तराई। इसमें क्या होता है कि पेबल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जो शिवालिक के जो नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट है, जस्ट साउथ में नीचे का पार्ट जो है फुट हिल्स इसको बोलते हैं। तो जो फुट हिल्स में ये जो पेबल्स बड़े बड़े कंकर और पत्थर पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पेबल्स होते हैं वो पेबल्स क्या होते हैं कि पेबल्स जब ये क्या होता है कि नैरो बेल्ट है के बाद, नैरो बेल्ट के बाद कि यहाँ पे पेबल्स के बाद जब डिमार्केशन होता है रिवर का, तो विदाउट डिमार्केशन, जैसे पहले हम इसको कर लेते हैं कि भावर क्या है, इसके बाद देखते हैं कि भावर क्या है। तो भावर तो समझ में आ रहा होगा कि जो नॉर्दर्न हिमालय है शिवालिक के जो फुट हिल्स में है, जहां पर बड़े बड़े पत्थर कंकर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं भावर। लेकिन जैसे ही भावर के बाद जो रिवर्स और जो स्ट्रीम से वो विदाउट डिमार्केशन फिर से री इमर्ज होते हैं, तो जब यहाँ पर री इमर्ज होते हैं तो क्या होता है वो मार्शी टाइप का रीजन बन जाता है, दलदली टाइप का, ये वाला पार्ट किसके, भावर के साउथ में। ये हो गया भावर, ये हो गया भावर, जो भावर के साउथ में बनता है उसको बोलते हैं तराई। अब एक वर्ड आया है वाटर डिवाइड, क्या है वाटर डिवाइड, क्या है कि जब दो वाटर सेट को, जब दो वाटर रीजन को कोई अप लैंड या अप हिल्स जो उसको दो पार्ट में डिवाइड करे उसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। जैसे बोलते हैं अंबाला कैंट, क्या बोलते हैं अंबाला कैंट। तो अब दो क्या है ड्रेनेज सिस्टम को जब दो पार्ट में डिवाइड करे, जैसे इधर हो गया इंडस रिवर सिस्टम, इधर हो गया गंगा रिवर सिस्टम, दोनों के बीच में अंबाला है, इसको बोलते हैं वाटर डिवाइड। जैसे इधर की बात करते हैं तो अब बीच में क्या है, इधर भी मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है कुछ रिवर्स इधर है कुछ रिवर्स इधर है, तो दोनों को जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाटर डिवाइड। कि दो वाटर डिवाइड जो है कोई हिल हो सकता है या तो अपलैंड हो सकता है जो दो पार्ट में, यानी कि एक रिवर सिस्टम इधर हो गया दूसरा रिवर सिस्टम। अब जैसे कि इधर पानी फ्लो, इधर भी पानी रीजन है प्लेन रीजन है, इधर भी पानी रीजन है, जब दोनों में पानी भरते हैं तो ये बीच में अपर पार्ट हो गया जो क्या करता है कि दोनों पार्ट को डिवाइड कर देता है, तो इस कंडीशन में ये क्या करता है वाटर डिवाइड करता है। अभी डेल्टा क्या है कि लोअर रीजन में जहां पे वाटर जो है, दैट मींस कह सकते हैं कि माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे वाटर पूरा स्लो डाउन हो जाता है, जब फ्लो ऑफ वाटर है वो पूरा स्लो डाउन हो जाता है। जब पूरा स्लो डाउन हो जाने के कारण क्या होता है कि वाटर फ्लो बंद हो जाता है और वो बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट इन लोअर पार्ट में आकर के जमा होना शुरू होता है, तो उसके कारण जो प्लेन बनता है, एलोवियल प्लेन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, और क्या है इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल है इसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब फर्टाइल प्लेन है तो एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। अब ये जब एग्रीकल्चर होगा तो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फीड कर पाएगा, खाना खिला पाएगा, तो ये सब कारणों से क्या होता है कि नॉर्दर्न प्लेन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होते हैं। और क्या होता है कि गर्मी के मौसम में नॉर्दर्न प्लेन में एक्सट्रीमली हीट होता है और ठंडी के मौसम में एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। ये था सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ओके, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, और आज यहीं तक। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।